हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्ष ऑनलाइन क्लासेस। एज यू नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट चैप्टर 7 द फेयर प्ले इंग्लिश हनीसकल बुक सीबीएसई। सो हमने यहाँ दो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट था इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 7 का। सो हम यहाँ ऑलरेडी उसके बारे में समझ चुके हैं। सो अब यहाँ पे एक न्यू स्टोरी, उसी स्टोरी में यहाँ कुछ कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें अलगू और जुम्मन इन दोनों में फिर से एक बार अलग तरीके से मुलाकात होती है। सो आइए उसको यहाँ हम जानते हैं। डे पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कहानी में एक ट्विस्ट आना था, तो वो ट्विस्ट यहाँ पे आ गया। सो क्या हुआ, अब दिन गुजरते गए, अब क्या हुआ, अब किसका बुरा समय आ गया था, अलगू चौधरी का। अलगू चौधरी जी वही है, ये वही है जिसने जुम्मन और उसकी जो चाची थी, जो उसकी आंट थी, उसका बीच में फैसला करवाया था, जिसमें आंट की तरफ उसने तरफदारी दिखाई थी, क्योंकि ये रियल था, क्योंकि उसने जज था वो उस टाइम पे, तो उसने सही चीज़ का साथ दिया। बट यहाँ पे अब क्या हुआ, अलगू चौधरी पर खुद एक प्रॉब्लम आ चुकी है यहाँ पे, जो कि आज हम यहाँ देखेंगे। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलेट्स डाइड। यहाँ टाइट स्पॉट का मीन्स मतलब आप जब किसी डिफिकल्ट सिचुएशंस पे चले जाते हैं जो सिर्फ आपकी ही होती है, ओके तो वो टाइड स्पॉट कहलाता है अपने लिए। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलेट्स डाइड। क्या हुआ, अलगू चौधरी के पास दो बुलक्स थे, मतलब दो बैल थे, उनमें से एक मर जाता है। एंड ही शोल्ड द अदर टू समझू साहू। और वो एक किसको बेच देता है, उसने एक किसको बेच दिया, यहाँ सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड है, मींस बेच दिया, ओके सेल मतलब बेचना। उसने किसको बेच दिया, समझू साहू को, अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि कार्ट ड्राइवर था, बैलगाड़ी चलाने वाला था उस गांव में। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट समझू द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइज ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। और इसका एक उनका जो बात जो हुई थी, उनके बीच में जो समझौता हुआ था कि साहू जो समझू साहू है उसको उसके पैसे मंथ के लास्ट तक दे देगा, पूरी तरीके से पे कर देगा। साहू वुड पे द प्राइज ऑफ द बुलक्स इन द मंथ्स टाइम। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। बट क्या हुआ कि जो बुलक था वो एक मंथ में ही खत्म हो गया, वो भी मर गया। Several months after Bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. और यहाँ पे कुछ महीने बीत गए, अब अलगू रिमाइंडेड करने लगा, समझ गया था कि अब जो साहू है, जो समझू साहू है, इसके पैसे तो अब वो नहीं चुकाने वाला, क्योंकि बैल तो उसके हाथ खत्म हो चुका है, मर चुका है। साहू गॉट वेरी अनॉयड। अनॉयड भी एंग्री का ही मतलब होता है, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और वो जब अलगू चौधरी इससे अपने पैसे मांगता है जो उसने दिए नहीं थे बैल के, तो वह क्या कहता है, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द ब्रिजेस बीस्ट यू सोल्ड मी। तुमने मुझे इतना सड़ा बैल दिया था, मतलब जो मर गया है उसमें तुमने मुझे बेचा ही, मैं उसके एक रुपये भी नहीं दूंगा, पेनी ओके मतलब एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूइन। और तुमने मुझको बहुत ही ज़्यादा, मेरा तो और उसमें नुकसान हो गया, ओके मेरा तो और उसमें नुकसान हो गया। आई हैव अ बुलक, मेरे पास भी एक बुलक है, मेरे पास भी एक बैल है। यूज़ इट फॉर अ मंथ, तुम भी उसे एक महीने के लिए यूज़ करो। एंड देन रिटर्न इट टू मी, और फिर उसके बाद मुझे वापस कर देना जैसा तुमने किया था। नो मनी फॉर द डेड बुलक ही शेड एंग्रीली, और मैं किसी मरे हुए बैल के पैसे तुम्हें नहीं दूंगा। ये तो गलत बात थी, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स। अब अलगू ने क्या डिसाइड किया, अब मेरी तो कोई सुनने वाला है नहीं, अब मैं जरूर इस केस को पंचायत ले जाऊंगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रेपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जो सेकेंड टाइम जब ये चीज़ मतलब जब पंचायत में कोई भी केस वहाँ जाता है, तो पंचायत उस चीज़ के लिए एक अलग से तारीख, अलग से डेट निर्धारित करती है, या फिर डिक्लेयर करती है कि इस दिन इस चीज़ के बारे में आपकी सुनवाई होगी, क्योंकि पहले से बहुत सी चीज़ें रहती हैं, पहले से बहुत सी प्रॉब्लम्स रहती हैं गाँव में, जो अलग अलग तरीके से अलग अलग डेट्स पर सॉल्व होती हैं। सो अब इनकी जब डेट आई, तो इनका जो केस आया, तब उस दिन क्या हुआ, एंड वो द प्रायोरिटीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग मीन्स होता है ढूंढना, एंड देयर सपोर्ट्स मतलब दोनों ओर की पार्टीज हैं, वो अपने अपने सपोर्ट्स के लिए गवाह ढूंढने लगे कि कौन उनका सपोर्ट्स देगा। यहाँ सपोर्टर्स की ज़्यादा कुछ मायने रखे जाते हैं, इसलिए द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। अब जो पंचायत है वही सेम ओल्ड बनियन ट्री जहाँ हमेशा लगती थी पंचायत, वहीं लगी। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू थोड़ी देर समझा और फिर बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबॉइड बाय हिज डिसीजन। अब अलगू थोड़ी देर समझते हुए बोलता है कि जो वॉइस की पंच रहती है वो क्या रहती है, सॉरी जो पंच की जो वॉइस रहती है वो किसकी आवाज़ रहती है, गॉड की। सो समझू साहू जिसे नॉमिनेट करेगा मैं उसकी डिसीजन पे जाऊँगा। तो साहू शॉ हिज चांस, अब साहू को यहाँ पे चांस मिल गया था
फायदा उठाने का एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन, और उसने किसका नेम चूज कर लिया, जुम्मन का, जो कि उस टाइम पे हेड पंच था। अलगूज हर्ट शैंक एंड ही टर्न्ड पेल बट व्हाट कुड ही डू। अब अलगू यहाँ जो अलगू था वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, और वह क्या कर सकता था लेकिन उस टाइम पे। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, उस टाइम पे जो जुम्मन था वो एक हेड पंच था, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज। लेकिन उसे क्या रियलाइज हुआ कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है, कौन सी, जज की, एंड द डिग्निटी ऑफ दिस ऑफिस, और उसके पास जो डिग्निटी है वो ऑफिस की, उस वो बहुत मायने रखती है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रेवेंज नाउ, क्या उसको इतनी उच्च पद पर बैठते हुए अपने बदले के बारे में सोचना चाहिए या बदला लेना चाहिए। ही थॉट एंड ही थॉट, भाई सोचा और फिर सोचता रहा। नो, फिर जो लास्ट में उसके अंदर से आवाज़ आई तो भाई मन में क्या सोचा, नो ही मस्ट नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही मस्ट नॉट हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, यहाँ पे हमें पर्सनल फीलिंग्स या पुराने जो रेवेंज हैं वो नहीं निकालना चाहिए बदले, और हमें यहाँ पे सच का साथ देना चाहिए और न्याय करना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू सीटेड देयर केसेस, अब यहाँ पे अलगू और साहू अपनी जो केसेस पे मतलब बैठे रहे और उनके केस चलते रहे। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसीडर्ड डीपली, उनके जो क्रॉस क्वेश्चंस होते रहे अलग अलग पंचों से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग लोगों से पूछताछ होती रही और फिर उसको डीपली समझते रहे। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, अब इसके बाद जुम्मन थोड़ी देर ठहरा फिर अनाउंस्ड किया, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुलक। अब जो लास्ट में जुम्मन क्या बोला अनाउंस्ड करते हुए कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो अलगू है उसका जो प्राइस है वो साहू, उस साहू को उस अलगू उस मरे हुए बैल के पैसे अलगू को देने पड़ेंगे। बिकॉज कारण क्या था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज, कब, बैन फ्रॉम वैन साहू बॉट द बुलेट, क्योंकि जब साहू ने अलगू चौधरी से बैल खरीदा था तब वह किसी प्रकार की डिसीज से नहीं गुजर रहा था, ना ही उसको किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी थी। तो सीधी सी बात है, उसने तो अच्छा बैल दिया था, इसी ने इसका ज़्यादा काम करवा कर उस बैल की ओर ध्यान नहीं दिया और वह मर गया। तो गलती किसकी है, समझू साहू की है। द डेथ ऑफ द बुलेक्स वॉज अनफॉर्चुनेट, और ये एक दुर्भाग्यवश घटना थी जो कि बैल खत्म हो गया। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, बट अलगू इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है क्योंकि वह तो जब बैल बेच रहा था तब वह अच्छी हालत में था। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अब अलगू ने जब ये सुना तो वो अपनी फीलिंग को रोक नहीं पाया, बचा नहीं पाया, इसलिए यहाँ कंटेन का यूज़ किया गया है। ही स्टूड अप, वह जल्दी से आया, एंड सेड लाउडली ओवर, और जम के बोला, एंड ओवर अगेन, विक्ट्री ऑफ द पंचायत, पंचायत की जीत हुई, दिस इज जस्टिस, यह है बहुत बड़ा न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान सदैव रहते हैं किसकी आवाज़ में, पंचों की आवाज़ में। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, एम्ब्रेस्ड हिज एंड सेड, और जल्द ही जुम्मन अलगू के पास आए और एक दूसरे से बोलने लगे, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं इसी जगह लास्ट पंचायत में जब यहाँ तुम फैसला सुना रहे थे तो हम दोनों एक दूसरे के एनिमी बन गए थे, दुश्मन बन गए थे, बट टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, अब मुझे रियलाइज्ड हुआ कि तुमने आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया था, क्योंकि जो भी इस जगह पर बैठता है, सीट पर बैठता है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले देखना पड़ता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, और जो पंच होते हैं ना ही वो किसी के फ्रेंड होते हैं ना ही किसी के एनिमी होते हैं। ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ किसके बारे में समझते हैं, न्याय के बारे में। लेट नो वन डिबेट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ग्रोथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी एंड माइटी, और हमें इस चीज़ से डिबेट मतलब मूव अवे फ्रॉम, ओके, तो उसमें ये हमें इस चीज़ से इनकार नहीं करना चाहिए जो सच्ची बात रहती है, तो और हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, अपन दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे और दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो वहाँ पे ख़त्म हुई और दोनों एक दूसरे के फिर से दोस्त हो गए। सीधी सी बात है कि जो ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है ये वाली जो स्टोरी है, और इस स्टोरी में बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो वॉइस ऑफ जो पंच की आवाज़ रहती है वह उसमें एक ईश्वर की आवाज़ होती है। क्यों, क्योंकि जब आप लोग भी बड़े होंगे और किसी बहुत बड़े आप किसी पद पर बैठेंगे या फिर कोई बहुत बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि अगर आप आईपीएस बन गए आईएएस बन गए, तो आपको भी उस जगह पर बैठ के सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखेगी, ना कि आपको अपना पर्सनल कोई आपको पर्सनल आपका खुद का एडवांटेज दिखेगा। तो आप उस जगह पर बैठ के सिर्फ आपने आप काम के बारे में सोचेंगे कि मुझे इस जगह या फिर इस मेरी जो जगह है वो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या बोल रही है, ओके। सो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।